नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। राज ओवरसीज और रिवेरा ग्रुप के बाद पानीपत में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। सिंगला ग्रुप के 5 ठिकानों पर आयकर विभाग ने मारा छापा, टीम खंगाल रही है रिकॉर्ड। भारत नगर में ट्रांसफार्मर के फ्यूज पैनल से करंट लगने पर 2 साल के बच्चे की मौत के मामले में लापरवाह सहायक फोरमैन और लाइनमैन को किया गया निलंबित। करंट लगने से 2 साल के बच्चे की मौत के मामले में पीड़ित परिवार को बिजली निगम ने सहायता के तौर पर दिया 1 लाख का चेक। खेत जाते समय 2 छात्रों के साथ हुआ बड़ा हादसा, दोनों छात्रों की हुई मौत, जबकि हादसे में 5 लोगों को आई मामूली चोटें, परिवार में मातम का माहौल। किला थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, साथ ही लगाया गया 50,000 रुपए का जुर्माना भी। राजनगर में मां की डांट और 2 थप्पड़ मारे जाने से आहत होकर 16 साल की छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर दी जान। साइबर राहगिरी कार्यक्रम के तहत जिला पुलिस ने स्कूल, कॉलेज व सार्वजनिक स्थानों पर विद्यार्थियों व आमजन को साइबर अपराधों के बारे में किया जागरूक। थाना समालखा पुलिस टीम ने 2 युवकों को अवैध देसी, 1 पिस्तौल, 1 जिंदा रोंद सहित किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। थाना किला पुलिस टीम ने डाबर कॉलोनी में शमशान घाट के पास जुआ खेल रहे 7 युवकों को किया गिरफ्तार। एसपी अजीत सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में नशा तस्करों की चैन तोड़ने में जुटी पानीपत पुलिस। 15 लाख की अफीम तस्करी मामले में तस्कर की निशानदेही पर नशा सप्लायर सहित 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। स्वास्थ्य बाल विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में चिरंजीवी भव वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा लगाया गया फ्री हेल्थ चेकअप कैंप। 500 से अधिक बच्चों का किया गया चेकअप। जो जीवन मुश्किल लगे थे मायूस थे, जो कि उन्होंने यहाँ पर करीब करीब 500 से ज़्यादा बच्चों को देखा, उनको एडवाइस करी है और जो जरूरत की दवाइयाँ हैं उन्होंने वो उन्होंने अपने उनको एडवाइस करकर मतलब लिखी है, ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर उनको दवाइयाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करी है, बाकी उनको सलाह दी है उनको डेली रूटीन में क्या क्या करना चाहिए। Myself Dr. Anita Mann from Swastik Bal Vikas School। हर साल जो है समय समय पे हमारे स्कूल में बच्चों के स्वास्थ्य जांच के लिए कैंप लगते रहते हैं। आज भी इसी तरह से चिरंजीवी भाव संस्था की तरफ से एक बच्चों के स्वास्थ्य जांच का कैंप लगाया गया, जिसमें बहुत अच्छे से डॉक्टर्स ने चेकअप किया, बच्चों को मल्टीविटामिन्स दिए और भी जिस बच्चे में जो कमी पाई गई उनके अभिभावकों को सूचित करने के लिए बताया गया। और ये बहुत अच्छा कैंप रहा, बच्चों को भी बहुत सीखने को भी मिला, वहाँ जाके क्लास में भी डॉक्टर्स ने बताया बच्चों को क्या ध्यान रखना चाहिए, तो इससे हमें समय समय पर हर चीज़ सीखने को मिलती है और अभिभावकों को भी इस बारे में जागरूक रहना चाहिए और जो बताया जाए वो फॉलो भी करना चाहिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहो वैसे पानीपत के साथ। नमस्कार।